सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिंदा सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है गाइस, राइट? अब देखो यार, तुमने जितने भी मेहनत की हो पहले, लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब बुरा, है ना? तो अब जो लास्ट मोमेंट आप मेहनत करेंगे, अब जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करेंगे, वही डिसाइड करने वाला है डेस्टिनी ऑफ योर रिजल्ट, वही डिसाइड करने वाला है द फाइनल आउटकम. तो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कुछ लास्ट मिनट टिप्स, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू, आप एग्जामिशंस ला सकते हो, आप अपने ग्रुप्स क्लियर कर सकते हो, आप रैंक ला सकते हो. लास्ट मिनट टिप्स टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन एग्जाम, यस. सो व्हाट आर दोस लास्ट मोमेंट टिप्स? तो देखना, सबसे पहली चीज आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी. आपको लग रहा होगा मैं कोई स्टडी टिप देने वाला हूं, मैं कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह कुछ देने वाला हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैं एक बिल्कुल अजीब अलग बात करने वाला हूं आपके साथ. सबसे पहला टिप, सबसे जरूरी टिप, अगर आप आखिरी के कुछ दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो खुश रहो, खुश रहो, स्टे पॉजिटिव, स्टे रिलैक्स्ड. बिलीव मी, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए वंडर ड्रग फॉर यू ऑल. खुश रहो, पॉजिटिव रहो, रिलैक्स रहो. जो पैनिक नाम का शब्द है ना, वो आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि पैनिक क्या होता है. सर सिलेबस इतना ज्यादा है, सर याद नहीं हो रहा, सर सिलेबस की सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सर ये नहीं हो पाया, सर फलाना नहीं हो पाया, सर. अरे भैया, सबके साथ होता है. रिलैक्स जाके पढ़ाई करो, जो भी हो रहा है. कुछ चैप्टर्स नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, हंसते खेलते पढ़ाई करो, रिलैक्स रह के पढ़ाई करो, राइट? जो भी हो रहा है, रिलैक्स रह के करो, खुश रह के करो. बिलीव में, अगर आप खुश रह के चीजें करोगे ना, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करने वाले हो. खुश कैसे रहें? एक सवाल उठता है कि सर खुश कैसे रहें, हाउ टू स्टे हैप्पी? तो यार कुछ टिप्स हैं इसके लिए भी. जैसे कि मैं हमेशा बोलूंगा, मेडिटेशन करो. कुछ वक्त आप डेली बेसिस में क्या करो सर, मेडिटेशन के लिए निकालो, राइट? चाहे 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, बट फाइंड आउट सम टाइम फ्रॉम फॉर मेडिटेशन. उसके अलावा व्हाट आई विल से इज, डेली का ज्यादा नहीं तो 15 मिनट डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, कुछ भी हो सकता है वो. फॉर एग्जाम्पल, गाना सुनना आपको खुशी देता है, गाना सुने. दिन का कुछ समय निकाले, गाना सुने. आइसक्रीम खाना आपको अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाएं. आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बात करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, तो थोड़ा देर फोन में बात करें. नेगेटिविटी भी मिलती है, तो भैया बिल्कुल वो चीज ना करें. घर वालों से बात करके खुशी मिलती है, तो वो करें. दोस्तों से बात करके खुशी मिलती है, वो करें. तो खुश रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी चीज, ये भी एकेडमिक्स के अंदर नहीं आ रहा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से दूर रहो यार. जो भी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनसे दूर रहो. आपके घर का कोई हो, बाहर का कोई हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई टीचर हो, फलाना हो, जो जो भी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूर रहिए, ठीक है ना? तुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, कैसे होगा, पेपर बहुत टफ आने वाला है, राइट? कैसे भी लिख के आ जाओ, ऐसे मार्क्स नहीं देगा. इस तरीके की नेगेटिव चीजों से दूर रहे. जैसे ही आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा, बिलीव मी, आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी हो, जितनी भी पढ़ाई करी हो, सब कुछ क्या होते जाएगा, वैनिश होते जाएगा. तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला खुश रहो और दूसरा नेगेटिविटी से दूर रहो. अब आते हैं चलो कुछ एकेडेमिक्स के पॉइंट्स पे. तीसरी चीज, अब आपने इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, रैपिड रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. आपने इंश्योर करना है रैपिड रिवीजन, और ये रैपिड रिवीजन के अंदर आपने मेनली क्या करना है, आपने रिकॉल एक्सरसाइज फॉलो करना है. रिकॉल, रिकॉल एंड रिकॉल. आपके पास वर्ड बाय वर्ड स्टडी का टाइम नहीं है, आपने सिर्फ रिकॉल करना है चीजों को. ये पढ़ा था इसमें क्या था, ये पढ़ा था इसमें क्या था, ये पढ़ा था इसमें क्या था. जो याद आ रहा है मतलब तुझको याद है, एक बार रीड करो आगे बढ़ जाओ. याद नहीं आ रहा है मतलब वहां पे फोकस करने की जरूरत है. तो रैपिड रिविजन,
हर सब्जेक्ट का रैपिड रिव्यूजन। जैसे वाटल सजेस्ट इज चार सब्जेक्ट मान लीजिए, तो तीन तीन दिन में आप डिवाइड कर दीजिए, 3 दिन में ये सब्जेक्ट करना है मेरे को, 3 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, 3 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, 3 दिन में फलाना सब्जेक्ट करना है। चौथी चीज जिस जो मैं सजेस्ट करूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिव एटलीस्ट 100 मार्क्स टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आप क्या करें, एटलीस्ट 100 मार्क का टेस्ट जरूर करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। द लास्ट एंड द फाइनल टिप आई एम गोइंग टू गिव यू इज, हम लोग लास्ट फ्यू डेज में क्या करते हैं, सिर्फ ऑरल बेसिस में पढ़ते रहते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या करना है, लिख के आना है। तो डेली बेसिस में आपको कुछ रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ऑन अ डेली बेसिस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, 10 सम ऑडिट कर रहे हो, तो 2 सम तो लिख के देख लो। इनफैक्ट थ्योरी सब्जेक्ट में भी एटलीस्ट 2 आंसर तो लिख के देख लो भाई डेली बेसिस में। जो 100 मार्क का टेस्ट है वो अलग है, और ये जो रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग है। तो एंश्योर की क्या करोगे आप, सर रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, एंश्योर करेंगे कि आप क्या करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ऑन ए डेली बेसिस। डेली बेसिस में क्या करोगे सर, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे डेली बेसिस में, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फाइनल मंत्र, एक मंत्र और बोलूंगा जो अगेन आपको क्या करना है सर, फॉलो करना है। ऑलवेज ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस, अपने प्रिपरेशंस पे भरोसा रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी प्रिपरेशंस करी है, जो मैंने किया है अच्छा कराया है, जो मैंने मेरे टीचर ने कराया है अच्छा कराया है, बिलीव में अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, काम माइंडसेट के साथ अपीयर करते हैं, आपको 100 में से 70 मार्क्स भी आता है ना, आप उसमें से पास हो जाते हो, क्लियर हो जाते हो। बट अगर अपने प्रिपरेशन से आप ट्रस्ट नहीं करते हो, पॉजिटिव नहीं रहते हो, नेगेटिव रहते हो, तो अगर आपको 100 में से 90 नंबर भी आता है ना, तब भी आप एग्जाम में उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते उस चीज को, और रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। सच्चाई है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, थोड़ा सा अनकॉमन रहेगा कुछ चीजें, बट बिलीव मी अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो, पूरे दिल से खुश रहते हो, नेगेटिविटी से दूर रहते हो, रैपिड रिकॉलिंग रिविजन्स करते हो, टेस्ट देते हो, थोड़ा बहुत रिटन प्रैक्टिस करते हो, और अपने प्रिपरेशन पे भरोसा दिखाते हो, तो भाई ये आखिरी के कुछ दिन में आप चमत्कार कर दोगे, मतलब आप मिरेकल्स कर दोगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लोगे। मतलब 100% मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट। इन सिर्फ आखिरी के फ्यू डेज में इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आप ये चीजें क्या कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ बच्चे भी मेरी बात मान लें और फॉलो कर लें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लें अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, तो आई बी वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी वेरी हैप्पी। लव यू ऑल, टेक केयर।